पिंपरी चरखा के सुदिति ग्लोबल एकेडमी के पवित्र प्रांगण में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज के मुखारविंद से 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगातार भक्त श्री राम कथा का अमृत पान ग्रहण कर रहे हैं। इसी राम कथा को ज्यादा कैसे राम भक्तों को सुनाया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेमभूषण महाराज जी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट तथा सोशल मीडिया मौजूद रही। इस प्रेस वार्ता में तमाम सवालों के जवाब दिए। आइए सुनाते हैं महाराज की जुबानी। मिल जाएंगे हमें गुरुदेव, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में नामांकन करे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सनातन को लेकर टिप्पणी की है, क्या कहते हैं आप उस पर? नहीं करना चाहिए, सनातन के लिए टिप्पणी क्यों करना है? सनातनियों का साम्राज्य उनको भय सता रहा है, सताना भी चाहिए। राजा ऐसा जब है तो सनातनियों के समाज से जो न सनातनी वाले हैं उनको तनाव होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। दो वस्तु है, कीर्ति और सुयश, इसको मिलकर प्रताप बनता है। जब राजा कोई बहुत ज्यादा कीर्ति और सुयश से संपन्न होता है, उसके प्रताप से जो उलूक मच्छर है इन सबको सताना डरना तो स्वाभाविक चाहिए, इसलिए वो टिप्पणी तो आई भी है। उनका कहना है कि सनातनी अगर हावी हो गए तो देश खत्म हो जाएगा। अगर मगर नहीं, वो तो हावी है, देश खत्म हो जाएगा, ऐसी ऐसा नहीं है। तो मतलब ये कांग्रेस वाले थे तब देश था क्या? इनके पहले से भारतवर्ष है। 1,98,00,000,000 कितने वर्ष सृष्टि के प्रारंभ हुए तब कांग्रेस से पता जाता नहीं था। तो क्या माना जाए कांग्रेसियों को, देश हित की बात कर रहे हैं? ये देश तो ये कौन सी हित की बात है भाई, सर्व समाज सनातनी है, 80% प्रजा सनातनी है, जैन हुई, बुद्ध हुए और भी संप्रदाय जितने हैं, 80% लोग सनातनी हैं। तो यदि उनके विरोध की बात करते हैं तो भगवान इनकी रक्षा करे, भगवान इनकी बुद्धि को व्यवस्थित करे, ऐसे कोई लाभ होना नहीं है। उनको अपनी पार्टी में वोट लेना है तो पार्टी की बात करनी चाहिए, ये सब सनातनी के चक्कर में क्यों पड़ना। इससे दिख रहा है कि भयग्रस्त बहुत है सनातन समाज से। तो सनातन भगवान का समाज है, भगवान अपने आप हिसाब किताब बराबर करते हैं, तनाव का विषय। योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे शुरू कराया, तो मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उस पर विपक्ष के और तमाम दलों के नेताओं के जवाब आए कि सर्वे नहीं कराना चाहिए। उनकी शिक्षा वो अपने माध्यम से दे रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपके यहाँ कहाँ हो रहे हैं? कुछ नहीं, शिशु मंदिरों की, विद्यालयों की, सुदिति ग्लोबल अकेडमी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय की, मदरसों की, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या पढ़ा रहे हो आप? सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि विद्यालयों में ऐसी बात न पढ़ाई जाए जो देश का अहित कर सके। संस्कृत विद्यालय, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए, सबका सर्वेक्षण होना चाहिए। तो क्या गुरुदेव, ऐसा लग रहा सरकार को मदरसों में कुछ देश का अहित वाली शिक्षा दी? तो सर्वे करने वाला बताएगा, हम ये विषय हमारा नहीं है। सबका होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। सरकार के पास हर व्यक्ति की एक एक मिनट की खबर होनी चाहिए, प्रजा क्या कर रही है ये होनी ही चाहिए, उसमें कोई तर्क नहीं, हर व्यक्ति का होना चाहिए। आप आध्यात्मिक हैं और आपको करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आज, क्योंकि मैनपुरी में आपके चढ़पात पड़े हैं, तो यहाँ मैनपुरी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपस में प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखें, किसी से कोई द्वेष न करें, स्नेह बढ़े, एक दूसरे के हित की सोचें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से काम लें, रामचरित्र को हृदय में उतारें और परिवार को संस्कार क्षम बना करके भगवत भजन करते हुए अपने गृहस्थी को आगे ले चले, ये हमारा पूरी प्रजा को संदेश है और मेरा प्रणाम। गुरुदेव, अभी आप अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम और सबको एक साथ रहना चाहिए, नेताओं की बात नहीं माननी चाहिए, इस पर कुछ बता दीजिए। अवश्य रहना चाहिए, क्या हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हमारा वेद भगवान कहते हैं कि मनुर्भव, प्रजा एक है, न जाति न पाथी न वाद न संप्रदाय, ये तो नेता लोगों ने सब फैला रखा है। हिंदू मुस्लिम में कोई बात ही नहीं है, छोटे बड़े की बात ही नहीं है, जो कमजोर हो उसका उत्थान करो और जो
व्यवस्थित हो गया है वो कमजोर को सहयोग करे, परिवार का नियम यही इस राष्ट्र खड़ा होता है। भारत को छोड़कर किसी देश में जातिवाद नहीं है, अमेरिका जाते हैं वहाँ भी नहीं है, इंग्लैंड में वहाँ भी नहीं है, किसी देश में नहीं है, केवल यही ऐसा विचित्र देश है जहाँ जातिवाद संप्रदाय दुनिया भर का नाटक है और किसी देश में यह समस्या नहीं, विवेक से रहना चाहिए।